अज केंद्रीय जेल अमृतसर विखे अमृतसर विकास मंच अते वन विभाग अमृतसर वालों पौधा रोपण का एक प्रोग्राम किया गया है, जिस विच वन विभाग अते मंच वालों सानू लगभग 200 बूटे प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन्हां बूटियां नूं असीं केंद्रीय जेल के अंदर इस जेल नूं इस पंजाब नूं अपने देश नूं हरा भरा बनाउण वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिथे जिथे जरूरत है उत्थे बूटे लगा रहे हैं। मैं विकास मंच का तो वन विभाग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने मौके पर आके सानू बूटे प्रोवाइड करवाए ने, ताकि असी इस जेल नूं बढ़िया तरीके नाल मेंटेन रख सकिए। थैंक यू। मैं एक जोत लंगर सोसायटी तो अमृतसर विकास मंच और वन विभाग अमृतसर का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ कि अज उन्होंने जेल के अंदर आके सानू लगभग 200 बूटे प्रोवाइड कराए ने, जिन्हों का इस्तेमाल असी जेल के अंदर ग्रीनरी बनाने वास्ते ताकि वातावरण शुद्ध रखा जा सके, अपने पंजाब नू हरा भरा पंजाब बना सके। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, असी धन्नवादी हाँ जेल सुपरिंटेंडेंट साहब के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब के, इतने आए थे सेंट्रल जेल के, साढ़े नाल सारी टीम के नाल अवतार सिंह जी भोला एक जोत लंगर सेवा सोसायटी तो जंगलात डिपार्टमेंट तो मिस्टर रघु शर्मा नाल साढ़े माता गुजरी जी सेवा सोसायटी है सियाटे तो यही साढ़े नाल ने सारी टीम इतने आए सी बूटे लैके, और अच्छा लगा कि बड़ा वधिया प्रांगण है जेल के जिहदे विच काफ़ी तादाद दे विच बूटे लाए जा सकते हैं। सानू असी रिक्वेस्ट की है बेनती सुब्रत साहब तो उन्होंने सानू भरोसा दिता भी जिन्हें भी पौधे वध तो वध लग सकते होणगे इत्थे लावांगे। सानू खुशी है कि एनवायरमेंट दे विच जिहड़ी वाधा करन वास्ते एडा वधिया सानू जिथे देख रेख करन वास्ते साधन ने और पानी पूरी के पूरे साधन आ, सानू यह यकीन है कि जिन्हें भी असीं इत्थे बूटे ला के जावांगे उहदी 90% तो वध जिहड़ी ग्रोथ होएगी, तो ये वास्ते साडा पंजाब साडा अमृतसर साडा शहर जिहड़ा है खूबसूरत ऑक्सीजन दीआं फैक्ट्रियां लगनगियां, पंछियों के वास्ते रैन बसेरे होणगे, फलदार शानदार सारे ही रुख जिन्हां दे विच मेडिसिनल प्लांट भी है जिवें सुखशैन ते अर्जुन वगैरह असीं नाल लै के आए हैं, ये सारे ही जिहड़े अज ला के जावांगे। सानू इन्हां दे उत्ते पूर्ण क्योंकि ऑफिसर साहबान सब तो सुपर ऑफिसर ने इत्थों दे, ये सानू पूर्ण भरोसा कि साडे बूटे पल भी जाण। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिआं दा जिहड़े साडे नाल इत्थे जिन्हां ने पार्टिसिपेट कीता, धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ एक जोत सोसायटी जिहड़ी कि अवतार सिंह जी वल्लों चलाई जा रही है, बड़ा ही वड्डा उपराला किया गया इन्हां वल्लों कि जिहड़ा आपां इह लंगरां दी जिहड़ी सेवा कर लंगरां दे विच जिहड़े लोग पत्तल वगैरह सुटदे आ उन्होंने जूठे पत्तल वगैरह चुक के उन्होंने फिर कूड़ेदान में अपने पा के उन्होंने डिस्ट्रॉय वगैरह करवाते हैं, तो ये बहुत वधिया वड्डी सेवा आ। अज के दौर दे विच कोई झूठ नहीं चुकता, ये सब नूं पता कोई झूठ वगैरह दी जिहड़ी सेवा आ ये बहुत वड्डी आ सेवा कर रहे हैं। मैं कोहली साहब जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि अज इन्होंने महकमे जंगलात नूं इत्थे सद्दण दा मौका दिता, तो केंद्रीय सुधार घर दे विच अज आपां 100 तों वध अपने जिहड़े बूटे आ आपां लगा रहे आ, जिस दे नाल अपना जिहड़ा पंजाब आ आपां हरिया भरिया आपां करना आ, तो जे होर भी कोई डिमांड होएगी किसी भी सरकारी संस्था की या NGOs की किसी भी कोई भी डिमांड होएगी आपां उन्हां दी डिमांड नूं आपां पूरा करांगे। बस ये दो शब्द आ कि जिस दे नाल मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां सारिआं दा। मैं फतेहपुर जेल सुपरिंटेंडेंट साहब का तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब का तो नाल उन्हां दे जिहड़े मतहत जिहड़ा स्टाफ काम कर रहे हैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने महकमे का बहुत वड्डा सहयोग दिता है, धन्यवाद जी। तो सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी आए हैं अमृतसर केंद्रीय सुधार घर, साढ़े नाल सुपरिंट साहब ने जेल दे, सो साढ़े नाल अमृतसर विकास मंच के दलजीत सिंह कोहली जी कुल्ला जी अवतार सिंह कुल्ला जी जो बहुत सारी सेवा करते, बहुत सारी साढ़े कोल टीम है, तो अज असी 100 तो वध रुख लाने इतने आए हैं। तो गल है कि एक रुख 100 सुख, तुसीं जानदे हो पिछे जे कोरोना दौरान ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक विकिया सी, विकास के नाते शहर में विनाश होए, बहुत जरूरी ट्रैफिक बढ़ गई, गड्डियां बढ़ गई, सड़क चौड़ियां कर गई, लेकिन रुख कट्टे गए उहदे नाल बहुत ज़्यादा तंगी है। सो हरिया भरिया पंजाब दे विच एक असी होर स्टैप अगे जा रहे हैं, सारे NGOs रल मिल के साडे स्टूडेंट साहब ने बहुत अच्छी सपोर्ट की है, आने वाले समय भी रल मिल के जिथे प्रशासन ते जनता की भागीदारी
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਫੋਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਥੈਂਕ ਯੂ